नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं News 21 TV। आइए देखते हैं ये खास खबर। महिला सशक्तिकरण के मकसद से आयोजित मिसेज एन सी आर 2018 और 2019 के ऑडिशन में बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाओं के साथ गृहणिया भी आगे आई। ऑनलाइन 120 प्रतियोगियों ने आवेदन किया था। इनमें से 20 महिलाओं का चयन किया गया, जिनका मथुरा रोड के होटल में ऑडिशन लिया गया। ऑडिशन में रश्मि सचदेवा, सरीन सिंह, आंचल वडेरा ने बतौर जज शिरकत की। कोरियोग्राफर अतुल त्यागी, रैंप वॉक मॉडल माधवी सिंह ने प्रतियोगियों को प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर ग्रुप के कार्यकारी अधिकारी पुरुषोत्तम बब्बर, अनूप यादव, राधा तथा रोटरी क्लब के चेयरमैन जगदीश सहदेव तथा संगीत निर्देशिका मंजू जुनेजा विशेष रूप से मौजूद रही। फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, सोनीपत, गाजियाबाद, दिल्ली, करनाल से आई महिलाओं ने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में चुने गए प्रतियोगियों को 8 जुलाई को सेमीफाइनल में प्रवेश दिया जाएगा। प्रतियोगिता की पहली आयु वर्ग 18 से 30 के विजेता को 2.5 लाख का ताज और दूसरे आयु वर्ग 31 से 45 वर्ष के विजेता को 2 लाख रुपए का ताज दिया जाएगा। देखिए कितना भी बिकता है। 3,000-4,000 पार्टिसिपेंट्स 1,500-1,200 रुपए लेके 60-65 लाख रुपए इकट्ठा करना, उसके बाद एक मीडियम क्लास फैमिली की लेडी अपनी सास के, अपने हस्बैंड के, सबके साथ अपोज करती हुई जब इस प्रोजेक्ट में आती है तो वापस क्या लेके जाती है? कुछ नहीं, और घर जाके ताने सुनती है। तो हम लोगों ने ब्यूटी पेजेंट को एक रूपरेखा देने की कोशिश की है। थैंक्स टू माय जूरी मेंबर्स जिन्होंने समय समय पर मेरे को उसमें अपग्रेड किया। 4 विशेषताएं, 5 मैं अपने ब्यूटी पेजेंट की बताने जा रहा हूं और प्राउडली बोलता हूं इंडिया का पहला पेजेंट है जिसमें ये 5 खासियतें हैं, ऑल बिकॉज ऑफ माई जूरी मेंबर्स। पहली, हम फॉर्म के समय पर कोई एंट्री फीस नहीं लेते, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्म में जो भी डिटेल्स स्क्रीनिंग करने के। सुषमा गौतम जी ऐसे बेताब थी और आपने एक गीत भी सुनाना है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से थोड़ा सा माहौल बनाए, अच्छा लगेगा आपको। इंडिया
रश्मि सचदेव जी, आपका चेहरा कितना खुश हो रहा है, चाहे किसी का दोस्त। पिताब जी ने कहा कि माँ है तो हम है, सच्चाई है। मेरे पिछले कई प्रोग्रामों में जब जब मेरी माँ आई, मेरा अगला प्रोग्राम टिकटें आती हैं और कहते हैं जिस प्रोग्राम में दिक्कत आए वो प्रोग्राम हमेशा सक्सेस होता है, जो प्रोग्राम आराम से हो जाए वो कभी सक्सेस नहीं होता है। थोड़ा सा टैंड लगाओ, आपको भी मौका मिलने वाला है। यहाँ पे पॉइंट देंगे मैं आंचल पटेरा एलिमिनेशन इंडिया राडारा दिस ईयर। पॉइंट्स हम बहुत सारे बेसिस पे दे रहे हैं, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं है, बड़ा ही जेन्युइन शो है। वी हैव टू पॉइंट इन लाइक थ्री मार्किंग्स वी आर हैविंग ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन राउंड, टैलेंट राउंड एंड ऑफकोर्स जो अभी वॉक हुई है, तो सबका कॉम्बिनेशन रहेगा साथ में, कोई एक बेसिस पे नहीं है। जो बेस्ट कंटेस्टेंट होगा उसी को हम आगे फॉरवर्ड लेके आएंगे। तो हमारी मे द बेस्ट पीपल विन, सबसे अच्छा कंटेस्टेंट ही जीतेगा, बहुत ही जेन्युइन शो है। थैंक यू सो मच। श्वेतम बाबा रिलैक्स लाइफ ग्रुप का सीईओ, फरीदाबाद का ऑडिशन हुआ, 120 लेडीज में से हम लोगों ने 20 लेडीज को चयन किया और इन्हीं में से चुनी हुई लेडीज़ आगे सेमीफिनाले फिनाले में जाएंगी। और इसमें जो जूरी मेंबर्स हैं रश्मि शिवीन एंड आंचल पटेरा, इन्होंने एक सराहनीय भूमिका निभाई है और बहुत जल्दी हमारे पास नतीजे होंगे जो हम वेबसाइट पे डिक्लेयर करेंगे। इसी तरह बाकी 7 सिटीज़ में भी हम ऑडिशन करते हुए जो वाजे लेडीज सेलेक्ट होंगी उनका सेमीफिनाले और फिनाले और फोटोशूट करेंगे और जीतने वाले को 2 से 2.5 लाख रुपये का क्राउन। दो ग्रुप है, 18 से 30 उनको 2.5 लाख का, 31 से 45 उनको 2 लाख का क्राउन जूरी मेंबर्स के प्रेजेंस में फिल्म अभिनेत्रियों द्वारा दिया जाएगा। मैडम आप सौंदर्य इसलिए। गुड इवनिंग, माई नेम इज हेमलता उप्पल। मैं यहाँ पर भाग इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे आगे जाना था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ नारी आगे बढ़ सकती है, नारी उड़ान है, और वो अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा कि अपने अंदर टैलेंट है। हम अपना टैलेंट दिखाने के लिए आगे आते हैं और ऐसे ही हम आगे आएंगे तो एक दिन उड़ान हम भी मारेंगे। तो मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ कि मैं अपना एक टैलेंट दिखा सकूँ और आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू। मेरा नाम आभा सुंदर है, मैं फरीदाबाद सेक्टर 82 की रहने वाली हूँ। हम आपकी सहूलत का भाग ले रहे हैं, क्या लगता है कि आप जीत पाएंगे? क्यों नहीं, मैं हमेशा होपफुल रहती हूँ। मेरा लाइफ के टूवर्ड्स एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है और मुझे इस तरह के क्रिएटिव प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं जैसे हाउसवाइफ हूँ, हाउसवाइफ्स को चेंज चाहिए होता है, तो मेरे लिए एक ये बहुत अच्छा चेंज था, जैसे स्टेज पे आके रैंप वॉक करना जो पहले कभी नहीं किया वो हमने किया। और इस प्रोग्राम में कुछ भी जैसे हम अपने मन की बात दर्शकों से या किसी से भी शेयर करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम सविता नरवाल, मैं बेसिकली स्टाफ नर्स हूँ बीके हॉस्पिटल में। मैं यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस जो मैंने गुम कर दिया था उसको दोबारा से पाने के लिए। इस प्रतियोगिता में आपका भाग लेने का मौका? मेरा नाम श्वेता,
मेरा यहाँ पे आने का पर्पस सिर्फ एक ही था, अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहती थी। मेरी हाइट बहुत छोटी है कंपैरेटिव टू आदमी दिखा, यहाँ पे लड़कियाँ 5-6, 5-7। ये फील जनरली उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है, ऐसा लोगों ने अपने मन में धारण कर लिया है। हो सकता है मैं जीतूँ नहीं, बट मेरे अंदर ये फुल कॉन्फिडेंस है, लाइफ का एक नया एक्सपीरियंस ही होगा। आई वॉन्ट टू प्रूव कि छोटी हाइट की लड़कियाँ भी, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज गिवन बाय गॉड, हमारे पास अपनी कला मतलब प्रदर्शन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। छोड़ दीजिए जो चीज़ें भगवान ने दी है, अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए। बस इसी चीज़ का एक बेंचमार्क बनाने की और लड़कियों के लिए मैं यहाँ आई हूँ। जीतूँ या ना जीतूँ वो सब भगवान के ऊपर है, अपना परफॉर्म करना ये हमारा है। मेरा नाम बबीता गुसाई है और मैंने ये शो ज्वाइन किया है और मुझे लगता है कि मैं लास्ट तक जाऊंगी और जीतूंगी, मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है। मैम आपका नाम और पेशे से आप क्या करती हैं? अरे मम्मी आगे क्या लगता है कि आप जीत पाएंगी? मेरा नाम सादिया हसन है और मैं एक होम मेकर हूँ और मेरे को लगता है मैं जीत पाऊंगी क्योंकि ये है ही एक मैरिड लड़की के लिए उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ये जरूर बिल्कुल। इतना क्रेडिट मैं अपने फादर इन लॉ को देना चाहूंगी जिन्होंने ये कॉम्पिटिशन के लिए मेरे फॉर्म लाए, वो खुद मेरे फॉर्म लाए, वो एक बहुत ही अच्छी बात है। जो चाहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़े पढ़े हर फील्ड में आगे जाए, उन्होंने खुद मुझे सपोर्ट किया, यहाँ भेजा और इसमें पार्ट लिया, लेने के लिए कहा, तो उनके लिए मैं ये कॉम्पिटिशन जरूर जीतना चाहूँगी। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैम आपका नाम? जी मेरा नाम शोभा है। ऐसे से क्या करती हैं? मैं एक जी टी हूँ, इंग्लिश मीडियम की लेक्चरर हूँ और एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल। आप इस सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, क्या लगता है आप जीत पाएंगे? हाँ मुझे पूरा विश्वास है मैं जरूर जीतूंगी। इसमें आने का मतलब कोई कारण है क्या? हाँ बस बच्चे चाहते थे मेरे कि मतलब एक लाइफ स्टॉप नहीं होनी चाहिए, जिसे आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नया कुछ करना चाहिए। और ये जब मेरे पास आया हो मतलब मेरे को जब नॉलेज में आया तो मुझे लगा इट्स अ चैलेंज एंड आई शुड गो फॉर इट एंड आई विल विन। मैडम आपका नाम? हाय मेरा नाम सुपनी कौर बेदी है और मैं दिल्ली से हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट। सभी बहुत ही टैलेंटेड हैं यहाँ पे, एवरीबडी इज वेरी प्रैक्टिकल इन देयर थॉट्स एंड आई थिंक दे आर ऑल यंग एज वुमेन। इनफैक्ट इवन इफ दे आर इन देयर 50s बट सबके ख्याल बहुत यंग हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। आपका नाम? हेलो मेरा नाम सुखमनी कौर बेदी है और मैं दिल्ली से हूँ एंड वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट। बाई प्रोफेशन आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक पेस्ट्री शेफ हूँ एंड आई एम अ डिज़ाइनर एंड एट द सेम टाइम आई एम अ वोकलिस्ट। मैं गाना गाती हूँ एक बैंड में जिसका नाम है तमाशा और मैं कुछ गा के अगर चाहें मैं सुना सकती हूँ, सो ये पंजाबी गाना है। मदानिया हायो मेरे डाडे रब्बा किन्ना जमिया किना ने लै जानिया हाय छोला